अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान दतिया जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनपद सदस्य एवं किसान कांग्रेस महासचिव अमित पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जैसा कि मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें ग्वालियर संभाग की 16 सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट दतिया जिले की विधानसभा है, जो बीते चुनाव में कांग्रेस के पाले में गई थी। आंडेर की जनता ने रक्षा संतराम सरोनिया को जीत दिलाई थी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी, किंतु वह सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके चलते उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों ही इस सीट को जीतना चाहते हैं। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का दो दिन से दौरा दतिया जिले में हुआ। इस दौरे के दौरान सूर्य नगरी उन्नाव बालाजी दर्शन करने के लिए गए, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। नमस्कार दर्शकों, मैं सक्षम न्यूज इंडिया के लिए लोकेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसका मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्हें महानायक भी कहा जाता है। आज जो वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, आज हमारे बीच ऐसे माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं। आइए चलते हैं, इनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया है और हमने बीजेपी ने 5 दिन में ये कर दिखाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि 3 मार्च तक सिंधिया जी ऋण माफ़ी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और 7 दिन बाद भाजपा में चले गए, इसका क्या कहेंगे? सर, मेरा एक अध्ययन की दृष्टि से और आपसे एक सवाल है। जिस प्रकार आपने 30 सितंबर 2018 में नर्मदा जी की परिक्रमा की थी, जिसका परिणाम कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आई थी, आज आप यहां 2 दिवसीय प्रवास दौरे पर आए हैं, आपने नदी बचाओ आंदोलन में योगदान दिया है, क्या फिर ये चमत्कार दोबारा होगा कि कांग्रेस पुनः फिर वापस आएगी? प्रभु से ही प्रार्थना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।